सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। अब भाजपा में जाते ही मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे, हालांकि अभिभावक हैं, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं। 15 लाख रुपए आए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व जो है उसकी शुरुआत हो गई है और हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है। और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, लेकिन चौंकाने वाला शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अंडर करंट जो है लोगों में, खासतौर पर बिहार के लोगों पर, दो चीजें देख रही है, 17 साल बनाम 17 महीने, और दूसरा केंद्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, कोई भी काम जो है बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसका क्रिटिसिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अन्य मंत्रियों ने भी किया। और हम लोगों का तो पुराना जो मांग रहा, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था महागठबंधन के लोगों ने, जो 75% की जो सीमा की थी भाई, उसको शेड्यूल 9 में करने का, वो भी कोई काम नहीं किया। अब भाजपा में जाते ही मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे, हालांकि अभिभावक हैं, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, जिसकी मांग हम लोगों ने की, जिसका समर्थन सब लोगों ने दिया, कम से कम वो तो आरक्षण को शेड्यूल 9 में करना चाहिए था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते ये लोग। ना 15 लाख रुपए आए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ। तो असली मुद्दा ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की समस्या को इन्होंने दूर किया, और खास तौर पे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबका मानना है पिछड़े राज्य, बिहार के अलावा भी और भी पिछड़े राज्य हैं, अगर बिहार जैसे राज्य अगर आगे ये बढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, 40 में से 39 सीटें इनको मिला पिछले बार, ये 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सा ऐसा कारखाना केंद्र सरकार ने यहां लगवाया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का MOU निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट, उसका हम लोगों ने करवाया था, जो यहाँ इन्वेस्टर मीट हुआ था। लालू जी जब केंद्र मंत्री थे, कई कारखाने रेलवे के यहाँ दिए, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कूलियों को परमानेंट किया, कुल्हर किया, हर बजट में किराया भाड़ा जो होता था उसको कम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ निकाला, बिहार के लिए कई स्पेशल स्टेशन हॉल्ट से लेकर के कई ट्रेनें दी। तो ये काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई काम पे ना वोट मिलेगा। 400 की बात कर रहे हैं, वो चाहे तो 500 पार भी बात करें, 1,000 भी करें, भाई उनका मुंह है, वो उनकी बात है, लेकिन हम तो भाई जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जनता की बात है, उसी को हम कहेंगे। तो बिहार जो है हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, बिहार जो है देश को दिशा दिखाया है हमेशा। इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हों, लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है, भाजपा को रोक। सूचना दे दिया जाएगा, है ना, आप तो अब तो हो ही गया, आप कितना दिन आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। और बताओ, 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज, अद्भुत है भाई। सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है, देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत।
कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है ये बिहार में। 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह, अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम कीजिए। तो बड़ा